तो पावर क्यूरी में हमने पिछली क्लासेस में जाना कि कैसे हम आपका जो क्यूरी का जो स्ट्रक्चर विंडो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जाना। साथ में हम बात किए कि लोड एंड क्लोज में दोनों ऑप्शन का क्या यूज है। उसके बाद क्यूरी के अंदर जो फीचर्स थे उसके बारे में जाने, जिसमें हमने बात की आपके डिलीट क्यूरी, डुप्लीकेट क्यूरी, रेफरेंस क्यूरी के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मर्ज कॉलन और बाकी के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं चूज कॉलम्स। तो यहाँ पे चूज कॉलम्स में जो है क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे कॉलम चूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब जो डेटा है तो पूरा आउट क्या आया हुआ है। अब मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, कॉलम को डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि कॉलम, जैसे मान लीजिए मुझे फॉरवर्डिंग का नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पर रिमूव करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको वापस ले के आना हो तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस केस में हम यहाँ पे चूज कॉलम यूज करते हैं। चूज कॉलम में क्या है कि जिसको टिक हटा देंगे, जैसे मैंने अप्रैल हटा दिया, जुलाई हटा दिया, अक्टूबर हटा के ओके किया, तो अब मेरे डेटा में देखेंगे यहाँ अप्रैल नहीं है, मार्च बाद मई है। लेकिन फिर मुझे वापस चाहिए होगा तो अगेन चूज कॉलन और मैं उन पर क्लिक कर दूंगा, ये वापस आ जाएंगे। ये हाइड एंड हाइड टाइप का तो हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है गो टू कॉलम। अब गो टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जिस कॉलम को आप देख सकते हैं कितने तरह के कॉलम। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ डिलीट कर दें, एडिट कर दें, कुछ कर दें, जस्ट आप देख सकते हैं और ओके करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम पे चले जाएंगे। अब होता कब है ये, तो चलो माने मेरे पास तकरीबन 12-13 कॉलम्स का डेटा है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो 100, 200, 300 कॉलम का डेटा होता है, और उसको यहाँ से नेविगेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप एक एक करके जाओगे सर्च करोगे। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू कॉलम, और जिस कॉलम पे क्लिक करेंगे, एक बार में एक ही कॉलम कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कॉलम का नाम, और क्लिक किया आप उस कॉलम पे सीधे मूव हो जाएंगे और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो कॉलम्स में ये हमने बात की चूज कॉलम, जिससे हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं और गो टू कॉलम मतलब कि कॉलम पे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे रिमूव कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स वही हुआ, राइट क्लिक करके हम यहाँ से रिमूव करते थे, वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब आता है रिमूव अदर कॉलम, मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने रिमूव अदर कॉलम किया था, जहाँ पे मेरा डेटा था उसको छोड़ के बाकी सबको रिमूव किया। अब एक गलती हो गई तो यहाँ से वापस क्लिक कट कीजिएगा तो वापस डेटा आ जाएगा। तो ये स्टेप्स होता है जहाँ से आप स्टेप्स को कट करके वापस आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया तो फिल्टर हमारा हट गया, तो स्टेप्स को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो अदर कॉलम का मतलब ये हुआ कि मुझे नेम, सिटी, आईडी और जैन का सेल चाहिए। अब यहाँ पे सॉरी, ये आईडी को मैंने उठा के मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ें लास्ट क्लास में ही बताई थी कि हम किसी कॉलम को कहीं भी मूव कर सकते हैं। बस अब मुझे चाहिए, तो शिफ्ट के साथ हमने तीनों चारों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें, रिमूव कॉलम मतलब जो सिलेक्टेड कॉलम है उसको रिमूव कर देगा, जो कि राइट क्लिक से भी याद करते हैं। रिमूव अदर कॉलम मतलब कि इन चारों को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर दो, जो कि इसने रिमूव कर दिया। ये थी हमारी मर्ज कॉलम के बारे में। मर्ज कॉलम के बाद हम आगे बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ, वापस लाता हूँ, रोज के बारे में, डिडक्ट्स रोज के बारे में। अब आते हैं कीप रो एंड रिमूव रो। जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं, कीप टॉप रो, कीप बॉटम रो, यहाँ पे कीप रेंज ऑफ रो, कीप डुप्लीकेट, कीप एरर्स। तो इससे इस पर क्लिक किए हुए उस पर क्लिक, हमने यहाँ पे कीप डुप्लीकेट कर दिया तो यहाँ पे जो नंबर मोर टाइम वन टाइम है, एक मिनट इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं करता हूँ कीप डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट को इसने रख लिया। रिमूव रो यहाँ पे आता है आपका टॉप रो,
नंबर ऑफ रो तो हमने बोला कि यहाँ पे वन नंबर वन नहीं हाँ टू नंबर होता है। देखिए ये एक और दो नंबर को रखा, बाकी डेटा सारा गायब कर दिया। तो ये आपका कैप डुप्लीकेट क्या हुआ कि डुप्लीकेट को रखेगा बाकी को हटा देगा, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं कैप रो एंड कैप कॉलम्स में। तो टॉप रोज या बॉटम रोज या आप कोई रेंज देना चाहते हैं कि 10 से 20 अगर आप क्लिक करते हैं तो बोलेंगे फर्स्ट रो नंबर ऑफ रो, तो मैंने बोला फर्स्ट रो हमारा 1 है, नंबर रो हमारा 100 है, तो एक से लेके 100 तक का रखेगा और बाकी को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये आपका कैप रो ऐसे वापस हटा के ला देता हूँ, वापस ला देता हूँ। फिर आता है रिमूव रो, यहाँ पे रिमूव टॉप रोज बॉटम रोज अल्टरनेटिव रो, अच्छा चाहते एक के बाद एक ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाए। रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव ब्लैंक रो, जो रो ब्लैंक है उसको रिमूव करना चाहते हैं। और रिमूव एरर, अगर किसी सेल में एरर है तो एरर्स रो को रिमूव कर देते, पूरी की पूरी रो को ये यहाँ से रिमूव कर देता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें आती है बारी शॉर्ट्स की, शॉर्ट डेटा को शॉर्ट करना, तो शॉर्ट तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो फिल्टर कमांड है या फिल्टर लगा है उसमें हम शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम ए टू जेड या जेड टू करेंगे, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कोई खाली खास इसमें नहीं है। हाँ, इसमें है कि क्लियर शॉर्ट कर सकते, जैसे मान लीजिए मैंने असेंडिंग शॉर्ट कर लिया तो ये देखिए शॉर्ट हो गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करके इसको मैं क्लियर शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ चलिए देखिए ना यहाँ से क्लियर शॉर्ट कर सकता हूँ, ये शॉर्ट हमारा क्लियर हो। तो ये बने रहे, आगे की वीडियोज में हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।